दोस्तों, आपकी राशिफल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपको आज का पंचांग विस्तार से जानने को मिलेगा। अब आज का संपूर्ण पंचांग हम जानेंगे। इससे पहले हम सभी मिलकर एक बार उन सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं जिनका आज जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे शनि देव की कृपा से आपकी जीवन की सारी बाधाओं का अंत हो। साथ ही जिनका आज मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको शिव और माता पार्वती की तरह आप लोगों की जोड़ी बनी रहे। अब साथ में जो लोग इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप लोगों की मंगलमय की कामना भगवान श्री गणेश से करती हूँ। चलिए मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का पूरा पंचांग के बारे में। आज का पंचांग इस प्रकार है। 5 नवंबर 2024 आज का पंचांग। पंचांग से जानिए कार्तिक महीने की विनायक चतुर्थी की पूजा का शुभ मुहूर्त। कब से कब तक रहेगा राहु काल। 5 नवंबर 2024 आज का पंचांग। पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 6:32 पर होगा। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रहने वाला है। अब आइए जाने आज का पूरा पंचांग। 5 नवंबर 2024 आज का पंचांग। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। आज के दिन 9:43 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा और फिर मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा। मंगलवार के दिन अभिजीत मुहूर्त 11:55 से लेकर 12:35 तक रहने वाला है। इस मुहूर्त में पूजा करना शुभ होगा। आज के दिन राहुकाल का समय दोपहर 3:00 से 4:30 तक रहेगा। अब आइए जाने आज का पूरा पंचांग। 5 नवंबर 2024 आज का पंचांग। संवत पिंगला विक्रम संवत 2081 माह कार्तिक शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्थी दिवस मंगलवार शिव पूजा सूर्योदय सुबह के 6:32 सूर्यास्त शाम के 5:36 नक्षत्र ज्येष्ठा सुबह के 9:43 तक फिर मूल चंद्र राशि वृश्चिक स्वामी ग्रह मंगल सुबह के 9:43 तक फिर धनु स्वामी ग्रह गुरु सूर्य राशि तुला स्वामी ग्रह शुक्र करण वनिज सुबह के 11:55 तक फिर वृष्टि योग सौभाग्य शुभ मुहूर्त एक अभिजीत सुबह के 11:55 से दोपहर के 12:35 तक दो विजय मुहूर्त दोपहर के 2:21 से दोपहर के 3:24 तक तीन गोधुली मुहूर्त शाम के 6:21 से शाम के 7:20 तक चार ब्रह्म मुहूर्त 4:08 से सुबह के 5:07 तक पांच अमृत काल सुबह के 6:04 से 7:40 तक छह निशीत काल मुहूर्त रात्रि 11:43 से 12:23 तक रात संध्या पूजन शाम के 6:22 से शाम के 7:06 तक दिशाशूल पश्चिम दिशा इस दिशा में यात्रा से बचें। दिशाशूल के दिन उस दिशा की यात्रा करने से बचते हैं। यदि आवश्यक है तो एक दिन पहले प्रस्थान निकालकर फिर उसको लेकर यात्रा करें। अशुभ मुहूर्त राहुकाल दोपहर 3:00 से 4:30 तक रहेगा। क्या करें, आज मंगलवार है। हनुमान जी की पूजा करें। कार्तिक माह की इस पवित्र तिथि को मंगल पूजन करें। आज बहुत पावन दिवस है। सुंदर कांड का पाठ करें। आज शिव उपासना भी करें। धार्मिक यात्रा भी की जाती है। जीवन को प्रसन्नमय व उन्नतिशील करने के लिए हनुमान चालीसा का 7 पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ आरोग्यता व समृद्धि के लिए कर सकते हैं। आज वजन के बराबर अन्न दान भी किया जा सकता है। आज व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप व वर्तमान रोग नष्ट होते हैं तथा उम्र लंबी होती है। मनोवांछित सफलता की प्राप्ति व आर्थिक उन्नति के लिए अरण्य कांड का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर जाएं व उनके प्रतिमा की 3 परिक्रमा करें। क्या ना करें, बड़े भाई की किसी भी बात की अवज्ञा मत करें। हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है। पंचांग के माध्यम से समय और काल की सटीक गणना की जाती है। पंचांग मुख्य रूप से 5 अंगों से मिलकर बना होता है। ये 5 अंग तिथि नक्षत्र वार योग और करण है। यहाँ हम दैनिक पंचांग में आपको शुभ मुहूर्त राहुकाल सूर्योदय और सूर्यास्त का समय तिथि
करण, नक्षत्र, सूर्य और चंद्र ग्रह की स्थिति, हिंदू मास और पक्ष आदि की जानकारी देते हैं। पंचांग के पांच अंग। तिथि, हिंदू काल गणना के अनुसार चंद्र रेखांक को सूर्य रेखांक से 12 अंश ऊपर जाने के लिए जो समय लगता है वह तिथि कहलाती है। एक माह में 30 तिथियां होती हैं और ये तिथियां दो पक्षों में विभाजित होती हैं। शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। तिथि के नाम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा। नक्षत्र, आकाश मंडल में एक तारा समूह को नक्षत्र कहा जाता है। इसमें 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रहों को इन नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। 27 नक्षत्रों के नाम अश्विन नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। वार, वार का आशय दिन से है। एक सप्ताह में 7 वार होते हैं। ये 7 वार ग्रहों के नाम से रखे गए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। योग, नक्षत्र की भांति योग भी 27 प्रकार के होते हैं। सूर्य चंद्र की विशेष दूरियों की स्थितियों को योग कहा जाता है। दूरियों के आधार पर बनने वाले 27 योगों के नाम विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगन, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यातिपात, वर्यान, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैधृति। करण, एक तिथि में 2 करण होते हैं, एक तिथि के पूर्वार्ध में और एक तिथि के उत्तरार्ध में। ऐसे कुल 11 करण होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वनिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तोघ्न। विष्टि करण को भद्रा कहते हैं और भद्रा में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। याद रखें, ईमानदारी, आत्मविश्वास, प्रेम, एकाग्रता और धैर्य, इन गुणों की वजह से सफलता के साथ ही शांति भी मिलती है। ज्योतिष के सभी अलर्ट्स और ट्रेंडिंग खबरों के लिए आपकी राशिफल चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने किसी भी विज्ञापन के लिए हमारे चैनल से संपर्क करें। आपका दिन शुभ हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।